सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जिस तरह से वीडियोस का क्वालिटी मैटर करता है, उसी तरीके से वीडियोस का वॉइस क्वालिटी और भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका वीडियोस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है लेकिन उसका वॉइस क्वालिटी बहुत ही बुरा है, तो आपका वीडियोस का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा घट जाएगी, क्योंकि अपना जो ऑडियंस है उसे सुनना पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप अपने वॉइस को बिल्कुल इसी तरीके से एडिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपने जिस वॉइस को एडिट करना है उसे आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जिस वॉइस को आप एडिट करना चाहते हो उस वॉइस को आपको इस जगह पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस वॉइस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वॉइस इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि वन क्लिक में अपना जो वॉइस है उसे किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो वॉइस है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और इंपोर्ट हो भी चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो हमारा जो वॉइस है वो इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको जो राइट कॉर्नर पर थ्री लाइन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स, तो सिंपली इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने बहुत सारा आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस है तो आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में आज बात करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। आपको आपका जो वॉइस है वो बहुत ही इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको जिसका काम करना है वो होगा इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी लाइन जीरो डेसिबल पे आपको ओपन होगा, जीरो डेसिबल पे आपको सेट रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपका जो वॉइस का अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको आपको पहले जो थ्री लाइन है वो कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, ताकि अपना जो वॉइस है उस पर कुछ गंभीर आ सके, ठीक है, यानी कि वॉइस कुछ डीप हो सके, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन काम करना होगा, जो लास्ट जो ऑप्शन रहेगा ये ट्रेवल का ऑप्शन रहता है, ठीक है, इसे आपको फुल कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका वॉइस क्लियर और स्मूथ और क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आपको इसे अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने से पहले अगर चाहते हो तो अपना जो वॉइस किस तरीके से सुनाई देता है आप प्ले करके उसे सुन सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, अपना जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा और अपना जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और एक काम करना, तो अपने इफेक्ट्स अप्लाई हो जाने के बाद आपको फिर से राइट कॉर्नर पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको इफेक्ट्स पे जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मलाइज, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है, अपना अगर वेव जो रहता है साउंड का वेव वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करके इस वॉइस को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। चाहो तो इस जगह पे आप रीनेम कर सकते हो, तो मैं आपको रीनेम कर लेता हूँ वॉइस एडिट, ओके। तो उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना होगा, अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको उस वॉइस को इस जगह पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो वॉइस इंपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली उस पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम एनवेलप, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको 120 पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंड पे भी आपको 120 पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपना जो वॉइस है उसका साउंड क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिवर्ब पे जाना है। तो रिवर्ब पे जाने के बाद आपको स्टूडियो पे सिलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। बस इतना सा काम करने के बाद आप देखोगे अपना जो वॉइस का क्वालिटी है कितना ज़्यादा इनहेंस हो चुका होगा। दोस्तों, इसी सिंपल तरीके से आप अपने वीडियोस के वॉइस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक कर देना, और अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और अगर अभी तक हम इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम 94Arun, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देख के लिए अच्छे रहे।